नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं बोल रहा हूँ मुकेश कुमार, अपने YouTube चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी से। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो या फिर बिहार बोर्ड का। एग्ज़ाम तो आने ही वाला है, आज 1 जनवरी है। सबसे पहले मैं सभी को नया साल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मैं मॉडल सेट पेपर रिलीज़ करना चाहता हूँ, जो क्लास 10th और 12th पर आधारित है। आप यहाँ देख सकते हैं, मॉडल सेट पेपर फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ सेट 10, इच सेट कंटेन 10 क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे। CBSE और बिहार बोर्ड के लिए अलग अलग वीडियो बनेगा। मॉडल सेट पेपर पर क्लास ट्वेल्व के लिए जो मॉडल सेट पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स, उसमें भी 10 सेट होंगे, प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे। इसका भी वीडियो CBSE और बिहार स्टेट बोर्ड का अलग अलग बनेगा। अब चूंकि डेट शीट रिलीज हो चुका है क्लास 10th और 12th का, CBSE बोर्ड ने रिलीज कर दिया है, अब हम चलते हैं डेट शीट पर। यहाँ देखिए क्लास 12th का डेट शीट। सबसे पहले क्लास 12th का डेट शीट पर मैं चर्चा करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं डेट शीट, यहाँ पर जो क्लास 12th में मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैथमेटिक्स मंडे को एग्ज़ाम होगा 18 मार्च 2019 को। इसके अलावा जो आपका रिलेटिव सब्जेक्ट होंगे वो होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं भी उनको भी दिखा देता हूँ। और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स का जो पेपर है वो 5 मार्च को है 2019, यानी 5 मार्च 2019 को फिजिक्स का पेपर है। इंग्लिश का जो पेपर है वो 2 मार्च को है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का जो पेपर है वो 9 मार्च को है, केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 12 मार्च को है। आप अच्छी से देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि आपका जो जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा एक बार। कंप्यूटर साइंस 28 मार्च को है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैथमेटिक्स यानी कि जो मेरा मुख्य सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इस पर मेरा मॉडल सेट पेपर आधारित होगा, वो है 18 मार्च 2019। अब हम चलते हैं क्लास 10th की डेट शीट पर। क्लास 10th का डेट शीट इस प्रकार से है, क्योंकि मेरा इसमें सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स पेपर है वो 7 मार्च को है, 7 मार्च को मैथमेटिक्स का पेपर है। और साइंस का जो पेपर है वो 13 मार्च को है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेडनेसडे 13 मार्च, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्सडे 7 मार्च। तो पूरी की पूरी डेट शीट मैं धीरे धीरे ड्रैग कर रहा हूँ कि आप आसानी से उस अपने सब्जेक्ट को देख सकें। सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा 29 मार्च को, फाउंडेशन ऑफ IT और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दो अलग अलग पेपर हैं। उसका एग्ज़ाम होगा 27 मार्च को। इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, उसका एग्ज़ाम होगा 23 मार्च को, दोनों अलग अलग हैं। हिंदी कोर्स है और कोर्स भी अलग अलग है,
जैसा कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, हिंदी कोर्स ए होगा या हिंदी कोर्स बी होगा, उसका एग्ज़ाम होगा 19 मार्च को, यानी 19 मार्च को। संस्कृत का एग्ज़ाम होगा 16 मार्च को। आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपका पेपर होगा आप उसको देख लीजिएगा एक बार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होगा 2 मार्च को। तो इस प्रकार से डेट शीट है दोस्तों। एक बार और कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल बटन होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस करना है। प्रेस करते ही उसका रंग ग्रे हो जाएगा, तो समझ जाइएगा कि सब्सक्राइब हो गया। मेरा जो अगला वीडियो होगा क्लास 12th मॉडल सेट पेपर 1, वो 15 जनवरी को रिलीज़ होगा। तब तक के लिए मैं आपसे धन्यवाद अलविदा चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।